आज कराची के हवाले से, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बड़े अहकाम जारी किए हैं। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर दो रोज में गिराने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही कश्मीर रोड पर केडीए क्लब मस्मार और गुज्जर नाले से तजावुजात के फौरी खात्मे। राशिद मिन्हास रोड पर यूबीएल कॉम्प्लेक्स से मुत्तसिल ज़मीन भी खाली कराने का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। कमिश्नर कराची को जेल भेजने का इंदिया देते हुए ये कहा गया है कि 36,000 प्लॉट्स पर जो कब्जा हुआ है ना, अगर आप नहीं गिराएंगे तो फिर आप खुद गिर जाएंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है, इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब आप नाला साफ नहीं करवा सकते तो फिर आप सूबा कैसे चलाएंगे। सिंध में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिंध हुकूमत का खासा है। यहाँ एक एएसआई भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा सिस्टम चला सकता है। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए, एक आरओ प्लांट नहीं लगा। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है, बद से बदतर बनाओ। सारे रफाई प्लॉट्स पर प्लाजे बन गए हैं, समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। आज चीफ जस्टिस ने इस अहम किरदार का जिक्र किया जिसकी निशानदेही समान नासरीन 2 साल पहले की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध का असल हुक्मरान यूनुस मेमन है, कराची पर कनाडा से हुक्मरानी कर रहा है, वहाँ बैठकर ये सारा का सारा सिस्टम चला रहा है। अब नासरीन, ये यूनुस मेमन आखिर है कौन? ये किसका अलाकार है, किसकी सरपरस्ती से हासिल है? अली हफीज़ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वो तमाम डिटेल्स, ये यूनुस मेमन किस बला का नाम है, अली हफीज़ बताएंगे। जी अली हफीज़, ज़रा बताइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से बात हो गई, समा 2 साल पहले ही इस बात की निशानदेही कर चुका है। जी बिल्कुल किरण, अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के दफ्तर जाएं या एसबीसीए जाएं या केडीए एमडीए एलडीए जाएं, जो ज़मीन को कंट्रोल करते हैं सिंध के अंदर इदारे, वहाँ पर मौजूद है यूनुस कुदवाई, यूनुस मेमन उर्फ यूनुस सेठ का सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? सरकारी अराजी खाली प्लाट पड़े हैं अरबों रुपए करोड़ रुपए के। कोई भी पार्टी आती है तो वो जो गठजोड़ होता है, जो बदनाम अफसरान सिस्टम के लगाए गए हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, मलीर डेवलपमेंट अथार्टी में, कराची डेवलपमेंट अथार्टी में, लियारी डेवलपमेंट अथार्टी में या मास्टर प्लान में, वो तमाम यकजा होकर जो है वो ज़मीन को ठिकाने लगाने में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। यूनुस सेठ मंजराम पे कब आए? वो मंजराम पे जब आए, जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथार्टी के सरबरा डीजी मंजूर कादिर अचानक जो है जब छापों के डर से बिरोने मुल्क फरार हो गए, तो ज़मीन के मामले देखने के लिए मंजराम पे लाया गया यूनुस कुदवाई, यूनुस मेमन और यूनुस सेठ को, जो 2019 के एंड में जो है जब जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, तहकीकाती इदारों के सामने पेश हुए, इंक्वायरी में जब तफ्तीश के दौरान उन्होंने बताया कि ज़मीनों के मामला यूनुस मेमन देख रहे हैं, तो वो गिरफ्तारी खौफ से जो है कैनेडा जो है फरार हो गए। इस वक्त भी कराची के अंदर जो है जो अहम पोस्टें हैं, अगर आप कमर्शियल निज़ाम ले लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले लें, के डी एम डी एल डी की सरबराही ले लें, तमाम लोग जो है यूनुस सेठ के आलाकार हैं, यूनुस सेठ की फरमाइश पे लगे हुए हैं। अरबों रुपए की ज़मीन गुलिस्तान जौहर के अंदर ब्लॉक 36 है, यहाँ पर जो है अगर हम बात कर लें, कम अज़ कम जो लास्ट महीने के अंदर जो हमारे सोर्स ने कन्फर्म भी किया है, 48 करोड़ रुपये की राजी को ठिकाने लगाए गए हैं। इसी तरह कुरंगी के अंदर जो है एक बड़ा प्लॉट था, जो मैदान था फुटबॉल का, उसको जो है गैर कानूनी तरीके से अलॉटमेंट की गई, वो ठिकाने लगाया गया। तमाम नेटवर्क जो है यूनुस मेमन जो है कैनेडा से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह अदालत ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने 2 साल पहले बता दिया था कि कराची के अंदर किस तरह सिस्टम ऑपरेट करता अली है। कह रहे एक महीना पहले 40 करोड़ रुपए जो है 48 करोड़ रुपए का प्लॉट है, जमीन है, 48 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं, यानी कि उस वक्त जब हमने निशानदेही की थी उसके बाद भी ये मामला चलता रहा और आज सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बात करनी पड़ गई है।